गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, नाउ इन टुडेज हिंदी क्लास वी विल स्टार्ट विद द न्यू लेसन, लेसन नंबर 14. ओके, फॉर दिस यू हैव टू ओपन पेज नंबर 94. ऑन पेज नंबर 94 वी हैव लेसन नंबर 14, स्वलंबन. स्वलंबन क्या मतलब होता है? स्वलंबन का, स्वलंबन का मतलब होता है अपना काम खुद से करना. ठीक है, अपने काम पे, छोटे मोटे काम जो हमारे घर के होते हैं उसके लिए किसी दूसरे पे डिपेंड ना होना, अपने कार्य खुद करना, उसे आप क्या बोलेंगे? स्वलंबन होना, कि हम अपने कार्य खुद से कर रहे हैं, आप उसे क्या बोलेंगे? स्वलंबन. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. बात स्वतंत्रता पूर्व की है. कोलकाता शहर के एक विद्यालय में एक विशाल समारोह का आयोजन किया गया था. इस समारोह की अध्यक्षता करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को आमंत्रित किया गया था. तो कब की बात है ये? बात है ये स्वतंत्रता पूर्व की. स्वतंत्रता पूर्व की यानी इंडिया को फ्रीडम मिलने से पहले की ये बात है कि एक कोलकाता के एक विद्यालय में एक बहुत ही बड़ा विशाल समारोह रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता के लिए किसको बुलाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को आमंत्रित किया गया है. निश्चित समय पर विद्यासागर जी समारोह स्थल पर पहुंच गए. वहां उन्होंने देखा कि समारोह में भाग लेने आए लोगों में से कोई भी व्यक्ति समारोह स्थल पर नहीं बैठा है, सब एक तरफ खड़े हैं. विद्यासागर जी ने वहां उपस्थित संयोजकों में से एक से पूछा. क्या बताया दिखाया इसमें? कि जो विद्यासागर जी थे, क्योंकि वो पूरे समारोह के जो थे अध्यक्ष के रूप में उनको आमंत्रित किया गया था, जैसे वो बिल्कुल समय पे समारोह स्थल में पहुंच गए. समारोह स्थल में पहुंच के उन्होंने देखा कि जहां बैठने की जगह थी समारोह स्थल पे, वहां पे कोई नहीं बैठा हुआ था. सारे लोग क्या हुए थे? एक जगह पर खड़े हुए थे. तो वो जो संयोजक जिन्होंने उस पूरे समारोह को आयोजित किया था, वो उनमें से एक संयोजक के पास गए और उनसे पूछा, अध्यक्ष लोग खड़े क्यों हैं, बैठे क्यों नहीं? उन्होंने पूछा कि विद्यासागर जी जो थे, उन्होंने लोगों से पूछा कि आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठे क्यों नहीं हैं? तो पहले संयोजक ने कहा, इसका कारण सफाई कर्मचारी की लापरवाही है. उसके समय पर ना आने से समारोह स्थल की सफाई नहीं हो पाई. तो पहला संयोजक था, उसने कहा कि सर, हम इसलिए नहीं बैठे हैं चेयर्स में क्योंकि जो यहाँ का सफाई कर्मचारी है वो समय पर नहीं आया और जगह की अच्छी सफाई नहीं हो पाई है, इसलिए हम सब यहाँ पर खड़े हुए हैं. तो दूसरे संयोजक ने कहा, वैसे अध्यक्ष महोदय भी अभी तक नहीं पधारे हैं, उनके आने से पहले शायद सफाई कर्मचारी आकर स्थल की सफाई कर दे. दूसरा संयोजक था, उन्होंने कहा कि वैसे जो अध्यक्ष महोदय हैं वो भी अभी तक नहीं आए हैं, शायद उनके आने से पहले सफाई कर्मचारी आ जाएं और इस जगह की पूरी सफाई कर दें. देन अध्यक्ष ने कहा, जिस अध्यक्ष के ना आने की आप बात कर रहे हैं वह तो यहाँ पधार भी चुके हैं. तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने कहा, जिस अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं वो तो यहाँ पहले से ही आ चुके हैं, क्योंकि अध्यक्ष कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी थे. तीसरे संयोजक ने कहा, क्या सचमुच अध्यक्ष महोदय आ चुके हैं पर वह कहाँ है? तो जो तीसरे संयोजक था, उन्होंने पूछा, क्या सच में हमने जिन्हें आमंत्रित किया है वो आ चुके हैं पर वो कहाँ पे है? तो अध्यक्ष ने कहा, बंदा हाजिर है, मुझे ईश्वरचंद्र विद्यासागर कहते हैं. अगर इसी तरह हम सफाई कर्मचारियों का इंतजार करते रहेंगे तो यह समारोह निर्धारित समय पर नहीं हो पाएगा. तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा कि मैं ही ईश्वरचंद्र विद्यासागर हूँ जिसे आपने अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया है, और अगर आप लोग इसी तरह से सफाई कर्मचारियों का इंतजार करते रहेंगे और ये जगह वैसे ही गंदी पड़ी रहेगी तो जो समारोह है वो सही समय पर चालू नहीं हो पाएगा. तो संयोजक ने कहा, जी हाँ आप सत्य कह रहे हैं पर क्या करें, हम मजबूर हैं, सफाई का काम तो सफाई कर्मचारी ही करेंगे. तो उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर समय पे समारोह चालू नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बट हम क्या करें क्योंकि सफाई कर्मचारी आए नहीं हैं और सफाई का काम तो हम नहीं कर सकते, इसलिए हम बहुत ही मजबूर हैं. तो इस पे आयोजकों का उत्तर सुनकर विद्यासागर जी पास की दुकान से झाड़ू लाए और वहां की सफाई करने लगे. अध्यक्ष महोदय को सफाई करते हुए देख संयोजक शर्म से पानी पानी हो गए. जैसे ही संयोजक ने कहा कि सफाई कर्मचारी का काम तो सफाई कर्मचारी ही कर सकता है, ये कार्य तो हम नहीं कर सकते, ये बात सुनकर विद्यासागर जी थे वो बाजू की पास की ही दुकान गए, वहां से झाड़ू लेकर आए और खुद ही उस स्थान की सफाई करने चालू कर दी. और जैसे ही विद्यासागर जी को सफाई करते हुए देख इन संयोजक जो वहाँ पे थे उन सब की जो आंखें थी वो शर्म से पानी पानी हो गई. तो उसमें संयोजक ने कहा, महोदय आप यह क्या कर रहे हैं, यह काम आपका नहीं है, सफाई कर्मचारी का है, वह अभी आते ही होंगे. तो संयोजक ने जैसे ही देखा कि अध्यक्ष महोदय खुद ही उस जगह की सफाई कर रहे हैं तो उन्होंने ईश्वरचंद विद्यासागर जी से कहा कि अध्यक्ष जी आप यह कार्य नहीं करिए क्योंकि यह कार्य आपका नहीं है, यह कार्य किसका है? सफाई कर्मचारी का है, वह आते ही होंगे और इस स्थान को साफ कर देंगे, तो आप यह कार्य मत करिए.
इस पर विद्यासागर जी ने कहा, विद्यासागर जी को सफाई करते देख वहां उपस्थित भीड़ में से कई व्यक्ति दौड़कर झाड़ू ले आए और सफाई में उनका हाथ बटाने लगे। देखते ही देखते पूरा समारोह स्थल साफ हो गया। फिर विद्यासागर जी वहां खड़े हुए और सभी लोग से बैठने की प्रार्थना की। अब जैसे ही विद्यासागर जी जो थे वो पूरे स्थान की इस तरह सफाई करने लगे, तो उनको इस तरह सफाई करते हुए देख जो वहां बहुत से लोग आए हुए थे, सब दौड़कर आए और सब वहां पे सफाई करने में उनकी मदद करने लगे। और देखते ही देखते पूरा समारोह स्थल जो था वो साफ हो गया। और जैसे समारोह स्थल साफ हुआ तो ईश्वरचंद विद्यासागर जी खड़े हुए, उन्होंने हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना करी कि अब यह स्थल साफ हो गया है, आप सब यहाँ पे आकर बैठ सकते हैं। फिर क्या हुआ, जो अध्यक्ष थे यानी ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे, उन्होंने समारोह में अपने अध्यक्ष भाषण के दौरान विद्यासागर जी ने कहा, हमारे बुजुर्ग ने हमें एक मंत्र दिया है, अपना हाथ जगन्नाथ, अर्थात अपना काम स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। इस मंत्र को धारण करने वाला पुरुषार्थ बन जाता है, उसकी नजर में कोई भी कार्य बुरा तुच्छ या है नहीं होता। अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, तुच्छ है, ये सब बातें मन की उपज है। काम के मामले में हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए और यह तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति अपना काम स्वयं करे। दूसरों के सहारे रहने वाला जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। उन्नति करने और आगे बढ़ने का मंत्र का नाम है अपना हाथ जगन्नाथ। जैसे ही सारे जो लोग थे वो वहां पे अपने स्थान पे बैठ गए तो समारोह चालू हुआ और अध्यक्ष यानी विद्यासागर जी ने अपनी अध्यक्षता में भाषण देना स्टार्ट किया। तो उन्होंने अपने भाषण में यह चीज़ कही कि जो हमारे हाथ है वही हमारे जगन्नाथ है, अर्थात हमें अपने कार्य के लिए किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर हम दूसरों पे निर्भर रहेंगे अपने कार्य के लिए तो हमेशा हमारे कार्य समय पर नहीं हो पाएंगे, हमें दूसरों पर आश्रित रहना पड़ेगा। और उसी के स्थान पर अगर हम अपना कार्य खुद से करेंगे तो वह कार्य समय पर हो पाएगा और हमें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पाएगा। लोग क्या करते हैं, काम को छोटा बड़ा समझते हैं कि यह कार्य छोटा है तो यह मैं नहीं कर सकता, यह कार्य दूसरों के लिए बना है। तो इस तरह के विचार अगर हम अपने मन में रखेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें कभी भी किसी कार्य को छोटा बड़ा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जो कार्य हमें मिला है उसे हमें पूरे उत्साह के साथ खत्म करना चाहिए। इसी तरह के अगर हम अपने विचार रखेंगे कि कोई भी कार्य छोटा नहीं है तो हम अपने जीवन पे हमेशा क्या कर पाएंगे, उन्नति कर पाएंगे और हमें दूसरों पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए हमें खुद आत्मनिर्भर बनना चाहिए और किसी भी कार्य के लिए दूसरों पे निर्भर नहीं होना चाहिए, अपने कार्य स्वयं करना चाहिए। इसलिए हमारे हाथ ही हमारे जगन्नाथ है, जब तक हमारे हाथ सलामत है हमें कभी किसी पे निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने सबको इस अवलंबन का पाठ पढ़ाया कि अगर हम दूसरों पे आश्रित रहेंगे तो हमेशा हमारे कार्य में देरी होती रहेगी, हम कोई भी कार्य समय पर समाप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने कार्य स्वयं करें, किसी काम को छोटा बड़ा ना समझें और अगर हम यह सोच रख के चलेंगे तो हम अपने जीवन में अवश्य उन्नति करेंगे। ठीक है, तो यह था आपका पाठ 14 स्वलंबन, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में लिखेंगे। आपका आज का होमवर्क है कि आपको यह पाठ घर में रीड करना है और अब से अपने कार्य स्वयं करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब अगली क्लास में हम शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर चैप्टर के कॉपी में लिखेंगे।